वो जो सामने पहाड़ आगे बिल्कुल टॉप पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ी थोड़ी बर्फ है, कसोल वाले पहाड़, उधर पार्वती वैली, उन्होंने बताया 8 दिन का ट्रैक है। लगे हुए हैं पियर्स बब्बू गोशा। तो मैगी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर आते ही व्यू देखो यहाँ से, अमेजिंग। देखो ये इसके पंखे टूट गए हैं और ये लड़की मेरे को गालियां निकाल रही है। चैनल और आज हम जा रहे हैं शानगढ़। अगर किसी ने हमारा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, वो ब्लॉग जीबी का है और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग है। सो जीबी से शानगढ़ का रास्ता है 2.5 घंटे का और हम पहली बार शानगढ़ जा रहे हैं। जीबी तो हम 2-3 बार आ चुके हैं तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड है, तो आप भी बने रहो। और रस्सी कितना एक्साइटेड है, जितना वीडियोस में देखा बहुत अच्छी जगह है, तो चलते हैं देखते हैं। कि जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा है उनको पता है कि दीदी और बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा हाय कर दो भाई। हेलो। तो बच्चे सो गए हैं। हाँ। तो अभी आप रास्ते एंजॉय करो और हम जल्दी से शानगढ़ पहुंचते हैं। ये सैंज वैली वाला रास्ता ही है, तो अभी पहले सीधा शानगढ़ ही जाएंगे, हम कहीं रुकने नहीं वाले हैं, उसके बाद सारा एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे हमारा स्टे। 700 मीटर का रास्ता ऐसा था कि थोड़ा सा गाड़ी, मतलब मेरी गाड़ी की तो इतनी पिकअप भी नहीं थी, तो कैसे तैसे चढ़ गए। बट अगर कोई आए तो ध्यान से आना, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूं जो हमारा स्टे है। तो ये रहा सामने हमारा डॉम, और ये भी कुछ रूम है, ये भी प्यारे लग रहे हैं। शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिल्कुल एंड में आ गए हमारा ना, इसके आगे कुछ ही नहीं है, रोड भी नहीं है इसके आगे, यहाँ पे खत्म। मुश्किल से आए भाई, तुमने डरा दिया फुल। लेकिन मजा आया, थोड़ी सी तो ऑफ रोडिंग होनी चाहिए। वाओ नाइस, बहुत ही प्यारा है। हम वो लास्ट ईयर मनाली में रुके थे, सेम वही फील है। कैसा लगा? अच्छा है। ओके, ये ऊपर भी सोने का है और ये वॉशरूम, नाइस, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, एकदम फ्रेश फ्रेश है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। अच्छा लगा, प्यारा है ना। ये है सामने से व्यू, ये सेबों के बगीचे हैं, सेब नहीं लगे हुए अभी, छोटे हैं ये। 2 दिन यहीं रुकने वाले हैं, अभी थोड़ा थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। 3 hours later. हम लोगों ने अभी कुछ भी ब्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि थके हुए आए थे, तो मैंने सोचा चलो ड्रोन उड़ाते हैं, रात के थोड़े से शॉट लेते हैं। तो शॉट तो हमने ले लिए लेकिन बड़े महंगे पड़ गए क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और हो गया था, तो अभी नया नया सीखा था ड्रोन, तो ड्रोन क्रैश हो गया। वो कैसे हुआ पहले ये ड्रोन का शॉट देख लो। ये ड्रोन शॉट तो आपने देख लिया कैसे क्रैश हुआ है, और उसके बाद जब क्रैश होने के बाद इसकी हालत देखो, ये इसके पंखे टूट गए हैं और ये लड़की मेरे को गालियां निकाल रही है। अब मैं इस ड्रोन को पैक करके मिट्टी खोद के उसमें दफना दूंगा क्योंकि बोलती इतना पैसा वेस्ट कर दिया, तो अब से ड्रोन शॉट नहीं मिलेंगे। नहीं, अब मैं इसकी ट्रेनिंग लूंगी। ये जो दो पंखे टूटे हैं ना, ये पूरा ही गायब हो जाना था। कुछ भी चला रहे, कुछ भी उल्टा, मैं ज्यादा सिंसियरली चला रही थी, इधर उधर मेरा फोकस नहीं जाता। हुआ क्या, ड्रोन बच गया था जहाँ पे अंदर चला गया था, तो मैंने सोचा इसको दूसरी साइड करता, तो मैंने गलत बटन दबा दिया, तो वो सीधा पिलर के बीच में लगा। खैर छोड़ो, चलो अभी पता नींद आएगी कि नहीं आएगी, ट्राई करेंगे सोने की और आपको मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, तो सुबह हो गई है और बहुत ही प्यारा व्यू है, शांति, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ है और कोई आवाज़ नहीं है। और इधर हमारे भूखे शेर उठते ही चाय पे हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चाची ताड़का। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लो अभी चाय वाय पीते हैं फिर रेडी होके निकलते हैं, एक वाटरफॉल पे जाना है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, तो पहले खा पी लेते हैं और रेडी होते हैं फिर आपको मिलते हैं। चाय वगैरह पी ली है हमने, तो अब नेहा ने मेरे को बोला कि वॉक पे चलो, छोटी सी वॉक करके आते हैं। वैसे तो कभी आप मेरे साथ वॉक पे जाते नहीं हो। ओह सारे ना सेब के बगीचे हैं, अभी इन पे सेब आए नहीं है क्योंकि पौधे छोटे हैं। हाँ ये छोटा सा रास्ता बना हुआ है यहाँ का, कितना मजा आ रहा है। नेहा याद है एक टाइम पे अपन कसोली में ऐसे वॉक की थी? हाँ, ना सुबह सुबह मम्मी डैडी ने सुबह उठा दिया था 5 बजे। इधर तो भाई मम्मी डैडी के साथ सोना तो सुबह 5 बजे भी उठ रहे हो तो मतलब आप लेट उठ रहे हो। मेरे मम्मी डैडी के हिसाब से 5 बजे उठ जाओ और अगर आप खुश हो जाओ कि 5 बजे उठे तो कहते हैं 5 बजे उठ रहे हो तुम लोग, कौन सा तीर मारा है, कौन सा तीर मारा है, 3-4 बजे उठो। तो वैसे रहते पता है इन रास्तों को पहाड़ी में क्या कहते हैं हमारे इधर, मतलब बीड़। हाँ ओके बीड़ों पर चलना सही, अच्छा लग रहा है यार, कितने प्यारे कलर आ रहे हैं ना, ग्रीन ब्लू व्हाइट, बीच में वो जो सामने पहाड़ आगे बिल्कुल टॉप पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ी थोड़ी बर्फ है, वो वाले जो पहाड़ हैं वो हैं कसोल वाले पहाड़, उधर पार्वती वैली उन्होंने बताया। 8 दिन का ट्रैक है तो हम तो नहीं करने वाले, कसोल पहुंच जाओगे आप। हाँ, 8 दिन में। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कोई कॉटेज बन रहा है ना। हाँ, इसका व्यू देख कैसा होगा। हाँ, अच्छा तो यार बहुत मजा आ रहा है, बस आराम से ना वॉक करते रहो, हल्की हल्की धूप है, अब तो धूप भी अच्छी लग रही है। कल मैं और काकू वॉक पे सारे रास्ते मुझे फ्लावर तोड़ तोड़ के कह रहे सिर पे लगाओ, ये देखो अभी भी लगाए हैं उसने मेरे सिर पे। अच्छा ये काकू लगाया, लेके आया सुबह। क्या करना है? आइस बंद करूं? क्यों? अच्छा ठीक है कर ले। हेलो, थैंक यू, आई लव यू। इधर आ, इधर आ, ए इधर आ, हमारी साथ है मेरी घरवाली पे लाइन मार रहा है, इधर आ, इधर आइयो, सिर पे लगाओ, क्या सिर पे तो लगाओ पहले, इधर आओ, मेरी घरवाली पे लाइन मार रहा है। मामी है वो। नेहा बग्गा किसकी है? मेरी। तो मेरी क्या है फिर? मेरी नेहा बग्गा है और आपकी क्या है? मामी। हाँ और मेरी क्या है? मैं क्या लगता हूँ आपका? मामू। हाँ तो मैं मेरी घरवाली पे लाइन नहीं मारनी आज के बाद, ठीक है? ठीक। ओके लगा लो सिर पे। लगा लो। ओ इधर आ, अभी तो तूने मेरे को बोला था कि तू लाइन नहीं मारेगा, अब फिर तू फूल लगा रहा है। हैं अब बाकी रहा है, इधर आ, इधर आ। A few minutes later हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल पे, छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा, आई थिंक आधे घंटे का ट्रैक है, तो जो प्रॉपर्टी के ओनर है भैया हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, वो नीचे भी उनकी एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं और यहाँ से हम निकलते हैं 2 किलोमीटर बाद वो हमसे मिलेंगे। रेडी तो चलो अभी निकलते हैं, वैसे नीचे तक रास्ता सब ठीक है, थोड़ा सा रास्ता है जो ऊपर ख़राब है, लेकिन भैया ने बोला है कि अगर आप नहीं आ सकते वहाँ पे, मान लो आपसे गाड़ी आप नहीं चढ़ा सकते तो हमें फ़ोन कर दो, हम आ जाएंगे लेने। अभी उतराई में इतनी दिक्कत नहीं होगी, चढ़ाई में थोड़ी सी होती है। हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पे और मेरी बगल वाली सीट खाली है क्योंकि नेहा मैडम को यहाँ पे पैदल पैदल वॉक करनी थी क्योंकि रास्ते बहुत ही प्यारे हैं, देखो कहीं आगे निकल गई है, कहाँ निकल गई है पहले उसको ढूंढते हैं फिर निकलते हैं आगे। ये एक प्राणी जा रहा है यहाँ पे, हमने पकड़ लिया इसको। कहाँ कहाँ घूम रहे हो? ऐसे वॉक। पहले मेरे को लगा कोई जंगली जानवर जा रहा है, फिर मैं ध्यान से देखा ओ ये तो नेहा बग्गा है। भैया की गाड़ी भी हमारे साथ जा रही है, हमें पूरा घुमाएंगे, ये वो जा रही है आगे गाड़ी और भैया पूरे आज हमारे गाइड बने हुए हैं। हाँ तो मैंने भैया बोला हमने मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं इस साइड, तो बोलते थे टेंशन मत लो हम घुमाते हैं आपको, मन का चलो। तो हम लोगों ने गाड़ी साइड पे लगा दी है और ये पुल अभी बन रहा है तो इसके कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती, वैसे वाटरफॉल की पार्किंग तक जाती है गाड़ी यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे तक, तो अभी यहाँ से दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी। ये हमारी गाड़ी, बैठो पीछे। वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है, तो अभी चलो आपको रास्ते एंजॉय करवाते हैं।
हम लोग पहुंच गए आधे रास्ते और गाड़ी ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से रास्ता है वाटरफॉल, यहाँ से थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो चलो अभी ट्रैक करना शुरू करते हैं। ये बनाते थे शॉल वगैरह, उसको हमारे इधर पट्टू भी बोलते हैं। लेने इधर कनक, इधर वो ये घर देखो, बेस क्या है इसके साइड पे। बड़ा प्यारा सा गांव है और ये गांव को क्रॉस करते हुए जाना है हमने पूरे। कितना पुराना है ये, अच्छा लग रहा है ना। लगे हुए हैं पियर्स बब्बू गोशा। यहाँ पे तो बहुत सारे फ्रूट दिख रहे हैं हमें रास्ते में अलग अलग। ये सामने सेब लगे हुए हैं, और तो रास्ते में कहीं दिख नहीं रहे थे सेब, यहाँ पे दिख गए। अभी तो बारिश शुरू हो गई है, आगे देखते हैं कहीं रुकते हैं। भैया बता रहे हैं एक कैफे आगे, तो वहाँ चल के थोड़ी देर रुकते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। सामने ये कैफे आ गया, तो जब तक बारिश नहीं रुकती यहाँ बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं तब तक। अभी बारिश रुक गई है तो अभी हमने दोबारा ट्रैक शुरू कर दिया सामने, और बस आ गया वाटरफॉल। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता रह गया, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। वेलकम टू जिया वाटरफॉल। तो चलो अभी आगे से दिखाता हूँ पास से। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। वाओ, ओहो वाओ, कितना प्यारा वाटरफॉल है यार, मजा आ गया। एक चीज है, असली नज़ारे तभी दिखते हैं जब बंदा ट्रैक करके जाए। अब होने वाली है मेरी फेवरेट एक्टिविटी जो कि मुझे बहुत मन था बहुत लंबे टाइम से कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए हमने बहुत सारा अरेंजमेंट करके रखा है, और ये रहा वाटरफॉल। इस वाटरफॉल के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो अभी सही टाइम है, हम इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो आप ऐसी चीज़ें कर नहीं पाओगे। सो वी आर डूइंग इट, लेट्स गो। नेहा धो रही है बर्तन और इसमें बनेगी मैगी, आ जाओ जल्दी। तो मैगी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। नेहा ने लास्ट में आके क्रेडिट ले लिया है, बट मैंने रील बनाई है बहुत ही प्यारी है। अब नेहा कॉपी कर रही है, ये भी डालेगी ना, चलो कोई बात नहीं। अरे वाह, मैगी बनके हो गई है तैयार। वाह वाह वाह, ऐसी बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट करके बताओगे ऐसी है। अभी नेहा पास करेगी कि मैगी कैसी बनी है, कैसी है? मैंने बनाया। ओ भाई कितनी झूठी है, दो बार चम्मच हिलाने को बोलती है मैंने बनाई है। तू तो मुझे बना नहीं दे रहा। बस चलो कोई बात नहीं, इसने बनाई मैंने बनाई, बड़ी अच्छी लोकेशन पे खाई, मेन बात ये है, मजा आ गया। तो मैगी तो आपने देख ली, अब उसके बाद की मेहनत दिखाता हूँ जो भैया कर रहे हैं। वो वहाँ से घास तोड़ा है सामने से यहाँ से, और उसका वो गुच्छा सा बना के उससे साफ कर रहे हैं। थैंक यू भैया। आपको बता दूँ जहाँ पे हमने स्टे किया, भैया ओनर है उनके दोनों। तो ये दोनों ओनर है और हमें घुमाने लेके आए थे। तो ये आदित्य भैया, ललित भाई, बहुत हेल्प होगी। अकेले आते तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो जगह नहीं होती है तो बंदा वैसे थोड़ा जाता है, तो भैया तो यहाँ पे आते रहते ट्रैक के लिए, तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ गया। अब चलते हैं वापस, और दो और जगह जाना है, एक मंदिर और एक बहुत अच्छी जगह है, वो आपको दिखाते हैं चलते। हम लोग अभी वापस आ गए हैं ट्रैक करके, अभी हम जा रहे हैं टेम्पल मनोऋषि। ट्रैक बहुत अच्छा था, मज़ा आया, आओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, और बच्चे भी जा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं था। तो अभी चलते हैं टेम्पल। हम लोग पहुंच गए टेंपल के पास। ये सीढ़ियों से चढ़ के जाना है हमने ऊपर। मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, इस साइड पूरी धूप है और इस साइड बादल देखो। वाह, ऊपर आते ही व्यू देखो यहाँ से, अमेजिंग। बारिश फिर से शुरू होगी और मंदिर में आज मेला है। तो यहाँ से हमने ले लिया जलेबियाँ गरम गरम।
बारिश बहुत ज्यादा हो गई है एकदम से, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी साउंड बहुत अच्छी है, बजाते हैं ना। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में जलेबियाँ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे छुप के खा रहे हो, बाकी कहाँ हैं, चले गए? नहीं नहीं बाकी भी चाहिए। हम लोगों ने माथा टेक लिया और अभी वापस आ गए, बारिश बहुत तेज हो गई है, पूरे भीग गए हैं। अभी सीधा जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, तब तक रास्ते एंजॉय करो। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, बारिश काफी तेज हो गई थी लेकिन अभी रुक गई है। और सबसे अच्छी चीज चाय पकोड़े, नेहा जी लग गए खाने। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार वाटरफॉल का, और ट्रैक इतना मुश्किल नहीं था, नॉर्मल था, बस बारिश हो गई थी तो बाद में भीग गए, तो हमने ज्यादा व्लॉग बनाया नहीं, हमने सोचा सीधा अपने कॉटेज पहुंचते हैं। तो अभी कुछ खा पी लेते हैं और देखते हैं, अभी कोई एक्टिविटी नहीं, थक गए हैं, तो आपको कल मिलेंगे। और कल भी एक जगह लेके जाएंगे, आज जाना था पर कैंसिल करना पड़ा, तो कल मिलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग गाइज, तो सुबह हो चुकी है, कल थक गए थे इसलिए तो हमने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, और आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, एक दो जगह हैं वो घूम लें। प्रॉपर्टी को छोड़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूँ, ये डोम है, ये हमें पड़ा 7,000 रुपये में, सीजन के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये सारे जो रूम है 4,500 रुपये इन रूम का प्राइस है। चलो मैं आपको जल्दी से रूम को दिखा भी देता हूँ कि बाकी रूम कैसे हैं। जो ये वाला रूम है इसमें इस तरीके से बेड भी लगे हुए हैं। जो कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए भी 800 रुपये पर बेड है ये वाला, हमने पता किया था, तो 4 बेड ऐसे लगे हुए हैं। और दूसरा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, जो फैमिली के लिए भी, अगर आपके साथ बच्चे हैं जैसे हमारे साथ बच्चे थे, तो डोम में बड़ा हेल्प रहा कि ऊपर भी रहने का था, तो ऐसे मैं आपको रूम का भी दिखाता हूँ। ये है एक रूम, तो इस रूम का 4,500 रुपये प्राइस है, इसका ऊपर भी बना हुआ है तो फैमिली के लिए ठीक है, ऊपर भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। डोम में तो थोड़ा छोटा था बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, बाकी डोम में रहने का अलग मज़ा है। और यहाँ से हमने बहुत फ़ोटो वीडियोज़ किए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, आपको मीडोज़ दिखाते हैं। मेडोज रास्ते की तो वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि हम ऑलरेडी काफी बना चुके थे। तो ये रहा मैदान, अभी दिख नहीं रहा है, ये जिस पेड़ों के पीछे मैदान है, ये रहा है ना पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा मैदान, और इसको कहते हैं मेडोज। मेडोज मतलब होता है घास का मैदान। अब ये कंफर्म नहीं है कि हर घास के मैदान को मेडोज बोलते हैं या पहाड़ों के बीच जो मैदान होता है घास का उसको मेडोज बोलते हैं। अगर आपको कंफर्म पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, ये रहा भैया का कॉटेज और ये भैया हमारा वेट कर रहे हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं मेडोज के पास, मतलब पहुंच ही गए हैं एक्चुअली। हमारे जहाँ पे हमने स्टे किया था उन्हीं की एक ऊपर भी प्रॉपर्टी, वहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है और वहाँ से वॉक करके जा रहे हैं हम। और वहाँ पे एक मंदिर है, पहले मंदिर माथा टेकेंगे और फिर मेडोज। ये देखो, ये सामने मंदिर है और उसके पीछे वो सारा मेडोज, और व्यू देखो ऊपर बादल, बहुत ही मजा आने वाला है। मेरा ड्रोन खराब हो गया है, अदरवाइज मैं यहाँ पे वो ड्रोन से शॉट लेता, नया लिया था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। सच सच बता दो किसने नज़र लगाई है। चलो कोई ना, ड्रोन में अभी वापिस जाके सही करवा लूँगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पे मंदिर माथा टेकते हैं। ये है मंदिर सामने, बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना लग रहा है। लोगों ने मंदिर में माथा टेक लिया है, यहाँ से मेरे को लग रहा था कि बहुत ऊपर तक है बट शायद ऊपर हम नहीं जा सकते हैं ना, मैं भी शायद गांव वाले जाते हूँ। थोड़ा सा आगे आके क्या व्यू आया है ये देखो, वाव। फिर से बारिश होने लगी है हल्की हल्की, कितना प्यारा लग रहा है यार, वाव। और ये घर सही लोकेशन पे है ना, यहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रखी है, वहां से भी व्यू कितना अच्छा आता होगा। और देखो वो थोड़े से पशु अंदर चल रहे हैं, चलो अभी अंदर चल के दिखाते हैं। वाव कितना प्यारा है, डलोजी में खजियार गए थे वैसा सा फील है ना, खजियार जैसा फील है। हाँ, एक चीज़ और भैया ने हमें बताई थी कि यहाँ पे ना जैसे क्या होता है, जो भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं लोग वहाँ पे आते हैं ना कुछ बेचने, यहाँ पे अंदर कोई भी नहीं आता, आप जितनी देर मर्जी बैठो, जैसे मर्जी बैठो, इन्जॉय करो, तो ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा है, वाह। हम लोगों ने घूम लिया पूरा ग्राउंड और मज़ा आ गया सीरियसली, मतलब मेरा तो फेवरेट है पहाड़ों में ऐसा इतना बड़ा ग्राउंड मिल जाए ना, वो अलग ही है, अलग ही सुकून है, मतलब आप बैठे रहो अपने ख्यालों में खोए रहो बस। अभी तो अभी क्या थोड़ी सी दीदी की तबीयत खराब हो गई है इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है, और अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ घंटे बिताते हैं, बैठते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी बनाते हैं। अभी हमें जल्दी से निकलना है और लास्ट बार मैं आपको एक व्यू दिखा दूँ, देखो आज जहाँ तक आपके कैमरा घूम रहा है ना वहाँ तक सारा खाली ग्राउंड है बस। चलो इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं हम,
बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हाँ, शानगढ़ का फर्स्ट टाइम आए थे. हाँ, और बहुत खूबसूरत लगा. बहुत खूबसूरत, मतलब सीरियसली बहुत खूबसूरत है. एक बार तो जरूर आओ, लेकिन मौसम देख के आना. अभी बारिशें बहुत ज्यादा शुरू होने वाली. हाँ, मतलब जुलाई में तो प्रेफरेबली. हाँ, लास्ट टाइम हम मनाली में स्टक हो गए थे. हाँ, तो इस बार हम टाइम से वापस जा रहे हैं और बहुत मजा आया. प्रॉपर्टी का जहाँ पे हमने स्टे किया, प्रॉपर्टी का नाम था इनटू द वाइल्ड. बाकी मैंने बता दिया था रूम वगैरह. और भैया का नंबर और इंस्टाग्राम जहाँ से हमने बुक किया था वो सब आपको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो. और मुझे कुछ कहना है आपसे, बहुत ही ज़रूरी ये है कि पहाड़ों से हम दोनों को और आप सबको भी बहुत ही प्यार होगा. तो प्लीज़ अगर आप ट्रैक पे आते हो, घूमने आते हो, तो कचरा मत फैलाना. ये हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बाहर गंद ना फैलाएं, क्योंकि फिर पहाड़ खूबसूरत नहीं रह जाएंगे ना. जितने खूबसूरत हैं तो अपना कचरा अपने साथ ही लेके जाएं, डस्टबिन में गिराएं, इधर उधर ना फेंके प्लीज़. और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. तो चलो, अगर कुछ बताना भूल गए हो तो कमेंट कर लेना, आपको बता देंगे. बाकी मस्ट विजिट है, यहाँ पे जरूर आना. ठीक है, बाय बाय. बहुत सारा प्यार, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग.